डिफेंस वीक की शुरुआत में शहर के प्रसिद्ध रोकड़ी ज्वेलर्स की ओर से बुधवार 8 फरवरी को सोसाइटी एक्टिविटी के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी कपल्स ने भरपूर एंजॉयमेंट के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लिया। नागपुर शहर में वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत में ही मनोरंजन और आकर्षक कार्यक्रमों ने मिठास घोलना शुरू कर दिया है। इसी बीच शहर के प्रसिद्ध रोकड़ी ज्वेलर्स की ओर से बुधवार 8 फरवरी को सोसाइटी एक्टिविटी फंड माई डे के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हिंगना टी पॉइंट के कस्तूरी रितिका अपार्टमेंट में विवाहित कपल्स के लिए खेलों और मनोरंजन से भरी किटी पार्टी सेलिब्रेट की गई, जिसमें डांस, म्यूजिकल चेयर, बैलेंस दी बलून डांस और अन्य कई सारे मनोरंजक खेल खेले गए और सभी को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। जहां एक और इस वैलेंटाइंस वीक को पेरेंट्स या विवाहित कपल सेलिब्रेट नहीं करते, वहीं दूसरी ओर रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आयोजित उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही इस आयोजन पर रोकड़े ज्वेलर्स की काफी प्रशंसा भी की। रोकड़े ज्वेलर्स का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने, वो बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज किया है। गेम्स वगैरह के थ्रू हमारी कस्तूरी रितिका फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाई है। सारे गेम्स, सारा प्रोग्राम, ऑल इन ऑल सब कुछ बहुत प्यारा हुआ है। हाँ, ज्वेलरीज के बारे में जो स्कीम्स वगैरह उन्होंने बताई है, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बाकी जगह पे इतनी जल्दी इतने अच्छे से आपके घर पे आके कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करता है कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या स्कीम्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इन लोगों का ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कोऑर्डिनेशन बहुत प्यारा है, यहाँ आके ये चीज़ एक्सप्लेन करा। रोकड़ी ज्वेलर्स ने आज हमारे सोसाइटी में एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसमें हमारे सोसाइटी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे यहाँ में और उनका और हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वेलरी के हॉलमार्क्स के बारे में उन्होंने अवेयर किया है हमको, उसकी प्योरिटी गोल्ड की हॉलमार्क के थ्रू बहुत सुंदर डिज़ाइंस है और अलग अलग टाइप के हैं, न्यू डिज़ाइन, न्यू वेराइटीज़, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत फ्रेंडली गेम्स खिलवाए, सबको इजी होंगे ऐसे गेम्स खिलवाए और बहुत मज़ा आ रही है, बहुत अच्छे और कंफर्टेबल रेट में है। वैसे रोकड़े ज्वेलर्स हम 3-4 साल पहले फर्स्ट टाइम गए थे और जाने के बाद इतने इम्प्रेस हुए कि हम परमानेंट ग्राहक बन गए हैं। अभी हमारे यहाँ शादी है जेठ के बेटी की, तो वहाँ की पूरी ज्वेलरी वहीं से खरीदी की है हमने। बहुत बड़ी खुशी की बात है, और भी ग्राहक जुड़ जाएंगे आपके साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। उस बहाने हमको सबको साथ में मिलने का मौका मिला काफ़ी दिनों बाद। ये ऐसे तो आते नहीं, सब मिलते नहीं, सब अपने अपने घर में बिजी रहते हैं, इस हिसाब से हमको सबको गेट टुगेदरिंग हो गया हमारा, तो अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग में वेलकम है रोकड़े ज्वेलर का। आप लोग का नाम बहुत नोन है नागपुर में, सभी जानते हैं रोकड़े ज्वेलर्स क्या है और इनकी ज्वेलरी हमने शॉपिंग किया है, काफ़ी अच्छा हमारा अनुभव रहा है इन सब चीज़ों में। और हमारी बिल्डिंग में आके हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमसे मिले, हम सबसे जुड़े, और आप जितना चाहे हम लोग आपसे जुड़ेंगे अभी इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉयमेंट और सभी से बहुत अच्छा माहौल बन गया है हमारी सोसाइटी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है सब चीज़ें देख के। हाँ, एंटिक भी बहुत अच्छा है और जो यूनिक कलेक्शन नया उन्होंने नया डिज़ाइनर ज्वेलरी बहुत अच्छी इन सब चीज़ों में, ज्वेलरी में तो बहुत अच्छा है। रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा से ही अपने नए आयोजनों को लेके चर्चा में रहता है और इस बार भी हमने चर्चा के लिए बहुत ही एक उपयुक्त समय और एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ हम पहुँचे हैं सोसाइटीज़ में। आज हमारा सोसाइटी एक्टिविटी का फर्स्ट डे है, आज हम इसे लॉन्च कर रहे हैं फन डे माई डे के नाम से। वैसे तो वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो वैलेंटाइन और सोसाइटीज़ ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और बढ़िया हो भी रहा है। बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, कपल गेम है, लेडीज़ गेम है, और बच्चों का एक्साइटमेंट और बच्चों की एनर्जी देखते हुए बच्चों के लिए भी ढेर सारे गेम्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। और हमारे इस योजना को, हमारे इस आइडिया को फुलफ़िल करने के लिए सोसाइटीज़ ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। आज से शुरू होने वाली इन एक्टिविटीज़ को, ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलते रहने वाली है मार्च मंथ तक, और बहुत सारी सोसाइटीज़ फाइनल हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से हमारी दूसरी भी जो लोग इंटरेस्टेड सोसाइटी मेम्बर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि वे आप हमारी रोकड़े ज्वेलर्स की इस फन डे माई डे की एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। और फंड
फ़न के साथ साथ हमारी कुछ पॉलिसीज़ और जो भी रोकड़े ज्वेलर्स की नई योजनाएं होती है उनसे भी जुड़े, उनका लाभ ले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इनोवेटिव कलेक्शन प्योरिटी और लॉयल्टी के लिए आप सभी के बीच हमारा एक ट्रस्ट गेन हुआ है और वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाए, डे बाई डे स्ट्रॉन्ग हो, तो इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। और ये अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। आज का अनुभव बेहद ही उत्साहित कर देने वाला और एनर्जेटिक रहा। और ऐसी ही ढेर सारी सोसाइटीज़ एक्टिविटी बहुत सारे लोगों के साथ, नए नए अनुभव के साथ हम मिलेंगे अगली सोसाइटी की ओर। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहन के साथ अक्सर अंसारी की रिपोर्ट।